देश में जब से सीएए एनआरसी का मुद्दा गुंजा है तब से कहीं ना कहीं धरना आंदोलन मानव श्रृंखला आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कामटी से लेकर संविधान चौक तक अलग अलग जगहों पर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध किया गया। देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर 14 फरवरी 2020 को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा शक्ति से भरपूर देश है। सन 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक देश को संविधान मिला, जिसमें हमें रहने, खाने, बोलने और हर किस्म की आजादी मिली। और देश की जनता ने तय किया कि देश की तरक्की के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि को चुनेगी। लेकिन आज आजादी के 72 वर्षों बाद भी हम भारतवासी आजादी के वक्त देखे गए सपनों को पूरा ना कर सके। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आज भी इस देश में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, किसान आत्महत्या, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे कितने ही मुद्दे जनता के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि देश की जनता द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, जिन्हें देश की जनता अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरकर इन नेताओं को तनख्वाह देती है, उन्हीं नेताओं से जब हम रोजगार पर प्रश्न करें तो वह हमें हिंदू मुस्लिम में लगा देते हैं। उनसे किसान आत्महत्या पर पूछा जाए तो वह हमें मंदिर मस्जिद में उलझा देते हैं। महिला उत्पीड़न पर हम पूछे तो हमें पाकिस्तान पर उलझा देते हैं। बलात्कार पर सवाल करें तो ट्रिपल तलाक पर उलझा देते हैं। डोकलाम में चीनी सेना देश के अंतर कैसे घुसी पूछने पर सीए एनआरसी एनपीआर पर उलझा देते हैं। परंतु ये देश वीरों का है। बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान पर चलते हुए संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रखना जानती है। इसलिए देश की जनता की मूलभूत समस्याओं से गवर्नमेंट को आगाह करवाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए 14 फरवरी 2020 शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाकर इन मूलभूत समस्याओं पर आवाज उठाने की कोशिश हम भारत के नागरिक नागपुर की तरफ से की जा रही है। ऐसी जानकारी इनबीसीएन समक्ष दी गई। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ आज कामठी से लेकर संविधान चौक तक इसी प्रकार की मानव श्रृंखला ये बनाई गई है। आखिरकार यह श्रृंखला बना के ये सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते और क्या बात है, इनको सरकार को लेकर सीधा रुख करते उन्हीं की ओर उनसे जाना चाहिए। सर ये बताइए, जिस प्रकार से कामठी से लेकर संविधान चौक तक जो मानव श्रृंखला बनाई गई, इसकी ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? महंगाई के विरुद्ध में, आज जो महंगाई बढ़ती महंगाई के विरुद्ध में, किसान आत्महत्या के विरोध में, किसान आत्महत्या कर रहे उसके विरोध में, और ये महिला सुरक्षा के विरोध में, जो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है महिलाओं को उसके विरोध में, और आपके रोजगार के विरोध में, महंगाई मंदी के विरोध में, आर्थिक स्थिति के विरोध में, इस विरोध में ये वुमेन प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा। हम तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारे मंत्री जब जनता के बीच में आकर वोट मांगते हैं और हमारे साथ ऐसी वादा खिलाफी करते हैं, तो ये मंत्री जो ये कानून पास कर रहे हैं वो जनता के सामने आकर ये कानून पास करे? क्या हम ये एनआरसी पास करते हैं, हम ये कानून पास करते हैं? जनता के सामने तो जान दीजिए, हमारे सामने आकर ये कानून पास कर दीजिए। आवाज दो। इस प्रकार से इन लोगों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। आप देखना ये होगा कि इन्होंने जिस प्रकार से ये ध्यान आकर्षित करने का काम जो किया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देती है या नहीं। नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू रोड से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।